राहुल केलादकर, तर नॉन स्ट्राइकला फलंदाज महेश। हॅलो, नाही बसणार नाही बसणार या स्टेजच्या बाजूच्या पॅव्हलेनमध्ये कोणी बसायचा नाही, महिलांसाठी आरक्षित तो पॅव्हलेन असेल। तर आता पुढील चेंडूवर हलक्या हाताने तटून काढलाय, त्या ठिकाणी मिस फील्ड होतोय, फंबल होतोय फलंदाज क्षेत्ररक्षक आणि दोन धावा सहजरित्या पूर्ण करतोय तो राज रवी। पाहूया सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला। भोरमाज क संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली, तर सॉरी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, तर फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते बर्देमा संघाला। आता मात्र जोरकस फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आणि सुरेख झेल, काय झेल घेतला या यष्टी रक्षकाने आणि मोठा हादरा दिलाय तो बर्देमाज संघाला। रवी सारखा मोठा फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला जातोय आणि आता मात्र फलंदाजीसाठी येतोय तो। तर आता मात्र षटकातील आपल्या षटकातील चौथा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा राहुल। धन्यवाद। जारी मुकाबला बर्देमाज वर्सेस भोरमाज के बीच में, पहले बल्लेबाजी करते हुए भोरमाज खराब है फील्डिंग लेकिन अच्छी कवर वहां पर राम द्वारा, दो रन लेने में कामयाब निश्चित रूप से, अच्छी रन इन द बिटवीन विकेट यहां पर देखने को मिला। हल्की सी चूक भी क्रिकेट में महंगी साबित हो जाती है उसका एक और उदाहरण नजर आता हुआ। स्कोर हो चुका है केवल मात्र चार रन, पहला हो जारी। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल रूम नहीं दे रहे, जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को। बल्लेबाज तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, कभी बैकफुट पर जा रहे हैं, कभी कभी स्टेप आउट करते हुए खेल रहे हैं, कभी क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल की वो गेंदबाजी काफी शानदार और सटीक। क्या गेंदबाजी, यही होना चाहिए हुनर, अपने अंदर वो क्षमता है उसको उजागर करने के लिए यही मंच होता है, व्यासपीठ होता है, तो निश्चित रूप से जो मौका मिलना है उस मौके का फायदा उठाने की आवश्यकता। फिर एक बार देखिए क्या लाइन है, लाइन लेंथ बिल्कुल सटीक, छः के छः गेंद पैरों के तले डालने की क्षमता रखने वाले एक मेव गेंदबाज मैं कहूँगा राहुल केलादकर नाम है। अभी क्लीन बॉल यहाँ पर, दूसरा हादरा झटका लगता हुआ यहाँ पर बर्देमाज टीम को, कई बरसों से खेल रही है बर्देमाज टीम अपने खुशी और मनोरंजन के लिए, आज तक उन्होंने क्रिकेट को कभी अलविदा नहीं किया क्योंकि बर्देमाज टीम स्वाभाविक रूप से मेरी जितनी जानकारी है ज़्यादा विजेता नहीं बनी हो, लेकिन क्रिकेट का जज्बा आज भी उनके दिल में उतना ही भरा हुआ है और यही होना चाहिए। ये क्रिकेट का जज्बा ही आपको एक दिन एक बड़ा नाम कर देती है, बड़ा नाम उसी का हो जाता है जो पहले बदनाम हो जाता है। स्वाभाविक रूप से कई ऐसे टीम है, एक नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगा मेरे ही गांव की टीम मुलगांव क्रिकेट टीम, और मुलगांव क्रिकेट टीम पहले एक दो राउंड जीतते थी और उसके बाद उनके नसीब में हार ही रहती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया एक प्रमुख टीम के रूप में मुलगांव टीम सामने आई थी। हमने बेड़गांव का नाम भी सुना था, एक बेहतरीन टीमों में से एक टीम थी, लगभग कब्जा कर रखा था एशिया पर उन्होंने। फुल टॉस गेंद यहाँ पर समाचार लिया है गेंद फील्डर के दस्तान में, कोई चूक नहीं, एक आसान सा यहाँ पर कैच,
और राहुल के हाथ में गेंद रुकती हुई, कोई चूक नहीं, एक और विकेट का पतन होता हुआ, स्कोर हो चुका है केवल मात्र 6 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 6 रन। नए बल्लेबाज, फिर एक बार यहां पर टप्पा खाने के बाद हल्का सा स्विंग मिला, बाहर की तरफ निकली, ऑफ साइड की दिशा में गेंद चली गई और बल्लेबाज समझ नहीं पाए, सीधा विकेट कीपर के हाथों में रुकती हुई गेंद, कोई रन नहीं, डॉट गेंद, यहां पर स्कोर रुका हुआ केवल मात्र 6 रन, 3 ओवर का ये मुकाबला। क्या यहाँ पर इस तरह से बर्दे मैच आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है ये खतरे की घंटी हो सकती है उनके लिए, क्योंकि इतना धीरे धीमी गति का रन रेट मुझे लगता है इस विकेट पर बोरमा सी के सामने काफी कम नजर आता हुआ। औसत को बढ़ाना होगा तेजी के साथ, यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी, अपने सोच को बदलना होगा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन कर दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ में तो अलग चलकर दिखा, यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए बर्दमाज टीम के बल्लेबाज को। फिर एक बार शॉट ऑफ लेन गेंद, यहाँ पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया, फील्डर वहां पर तैनात, 1 बाउंस 2 बाउंस फील्ड करते थ्रो करते, तब तक केवल मात्र 1 रन, काफी शानदार फील्डिंग वहां पर मौजूद योगेश, छोटा रिचार्ज और बड़ा धमाका, दोस्त है हमारा योगेश। रोहित की गेंदबाजी का यहाँ पर फिर एक बार समाचार लेते हुए हल्के हाथों से दिशा दिखाई, कवर क्षेत्र में खेल दिया, गैप ढूंढने में काम आया, 1 बाउंस वहां पर चौका, अंपायर का इशारा, ओवर समाप्ति की घोषणा, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद बर्दे मात्र टीम का स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर केवल मात्र 13 रन, यानी प्रति ओवर करीब करीब 6.5 के औसत से बढ़ती हुई, 6.5 का औसत सामान्य माना जाता है इस ग्राउंड पर, अगर आप देखोगे तो आपको यही फीलिंग आएगी कि हम कहीं इंटरनेशनल मुकाबला तो ना खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैमरामैन है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, पूरी 4 दिशा में बाउंड्री है, शायद हमें ओवल छोड़ने के बाद ही हमारे नसीब में आई, ओवल में 4 दिशा में बाउंड्री जरूर है लेकिन उसके अंदर हजारों प्लेयर निश्चित रूप से होते हैं। बल्ले का मुंह खोल दिया यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद जा रही है 6 रन के लिए। हाथ खोलने का मौका मिला था, और पिस गेंद थी, कमजोर गेंद थी, सीधा बल्ले का मुंह खोल दिया, ताकत के साथ भेज दिया, फील्डर के ओर दर्शक बने रहे, गेंद गई 6 रन के लिए। इसी तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, रनों की आतिशबाजी करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा रन निकालने की कोशिश करनी होगी ताकि बोरमा सी के सामने एक विशाल लक्ष्य रख पाए और मुसीबत पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, सोच बिल्कुल ऊपर रहनी चाहिए, बड़े सोच वाले ही बड़े कारनामे करते हैं। कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलो की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से पाने की वो उम्मीद जिंदा रख, बहना है तो बेशक बह जा, बहना है तो बेशक बह जा, लेकर सागर से मिलने की वो चाह जिंदा रख। इसी बीच यहाँ पर बर्दे मैच को इस बात का ख्याल रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये मुकाबला जीतने के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर देना है। गोल मंडळातील सदस्यांना विनंती आहे की या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था पण पाहायची आहे,
पाणी नाही आहे, त्याच्यामुळे पाण्याची व्यवस्था तोरी त्या ठिकाणी पाहिजे. आपण गेले 2 दिवसात सातत्याने चांगल्या प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते आहे, कुठल्या गोष्टीची कमतरता या ठिकाणी जाणवली नाही. त्याचं एकमेक कारण म्हणजे नक्कीच या ठिकाणी एक आनंदाची बातमी, नेरूळ विभागातील स्थानिक नगरसेवक सन्माननीय गिरीशजी म्हात्रे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी घोल शीतलादेवी घोल ग्रामस्थ मंडळ क्रिकेट संघ घोल यांच्या वतीने मी त्यांचं मनाच्या अंतकरणापासून सहर्ष स्वागत करतो. सर, आपण या ठिकाणी आलात, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत, त्याबद्दल मी आपला मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्यांच्या समवेत आलेले मान्यवर यांचं सुद्धा मी त्या ठिकाणी त्यांचं मनाच्या अंतकरणापासून सतत आभार व्यक्त करतो. आपण या ठिकाणी आलात, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. समवेत आलेले नगरसेवक साहेब यांच्या समवेत आलेले सन्माननीय अक्षय पाटील साहेब यांचं सुद्धा तेवढंच हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आपण आलात, व्यासपीठाची शोभा वाढवलीत, स्पर्धेची शोभा वाढवलीत, त्याबद्दल स्पर्धेच्या माध्यमातून मी आपलं खूप खूप आभार व्यक्त करतो. और आप सभी को लेके जा रहा हूँ मैं मैदान में, जहाँ पर मुकाबला जारी है. क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यहाँ पर शुरू है. यहाँ से जो टीम जीतेगी वो सीधा ग्रुप विनर के रूप में आगे खेलेगी. हल्के हाथों से खेला है वहां पर, जोर टीम के सामने खेलेगी. दूसरा रन लेने की कोशिश और यहां पर रन आउट का खतरा. हा सामना लवकरात लवकर खेळवा, अन्यथा पुढचा सामना ओवर कमी करण्यात येतील. जिथे गावचे माननीय श्री प्रदीप जाधव यांनी इथं व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचंय. कोई रन नाही मिळेगा. आपण पाहतोय सन्माननीय व्यासपीठ या ठिकाणी सजलेलं आहे, ते म्हणजे या ठिकाणी नेरूळ विभागातील लोक लाडके नगरसेवक म्हणून ज्यांची ओळख असणारे सन्माननीय गिरीश म्हात्रे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आणि स्पर्धेच्या वतीने त्यांचं सहर्ष असं हार्दिक स्वागत करतो. समवेत आलेले म्हणजे अक्षय भाऊ पाटील साहेब यांचं सुद्धा तेवढंच सहर्ष असं हार्दिक स्वागत. एक तरफा सामना नजर आता हुआ, गेंदबाजी में जितनी ताकत नजर आ रही है, बल्लेबाजी में थोड़ी कमी महसूस. फील्डर वहां पर मौजूद और थोड़ा सा आत्मविश्वास यहां पर ज्यादा, क्योंकि आसानी के साथ कैच लेने की कोशिश उतने परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उसका नतीजा यहां पर भुगतना पड़ा. 2 रन यहां पर मिलेंगे. तीसरा रन लेने की कोशिश की थी और तीसरे रन पर यहाँ पर रनआउट का विकेट. इसी बीच यहाँ पर स्कोर जहाँ पहुंच चुका है केवल मात्र 28 रन. चौथा ओवर जारी है और चौथे ओवर की केवल मात्र तीसरा ओवर जारी है और 2 गेंदे बाकी है. 3-3 ओवर के मुकाबले 2 गेंदे बाकी. देखना ये होगा कितने रनों का लक्ष्य रख पाते. फिर एक बार लेग साइड के क्षेत्र में डाला, उंगली उठी और दुर्घटना घटी. अंपायर के उंगली में वो ताकत यहाँ पर आपको एक महाभारत में नजर आई, कृष्ण भगवान के उंगली में और दूसरे क्रिकेट के मैदान में.
स्थिती दाखवली आणि या कार्यक्रमाची त्यांनी शोभा वाढवली त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक असं आभार. स्थानिक नगरसेवक ज्या ग्राउंड मध्ये खेळत आहेत एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, कारण त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला नेहमीच सहकार्य मिळत असतात. ते सन्माननीय गिरीश म्हात्रे साहेब स्थानिक नगरसेवक आणि त्यांच्या समवेत आलेले सन्माननीय श्री अक्षय पाटील साहेब यांचा सुद्धा या ठिकाणी हृदय सत्कार होणार आहे. मी संतोष श्रीपत पोळेकर आणि अंकुश पोळेकर गारजाई यांना मी विनंती करतो की आपण त्यांना पुष्पगुच्छ आणि शाल श्रीफल देऊन त्यांचा या ठिकाणी हृदय सत्कार करायचा आहे. पुन्हा एकदा मान्यवरांना मी या ठिकाणी त्यांचं खूप खूप आभार व्यक्त करतो, कारण आपण या ठिकाणी येऊन या स्पर्धेला नक्की चार चांद लावण्याचं कार्य केलेलं आहे. धन्यवाद. आणि जाते सीधा मैदान में सभी को लेके यहाँ पर हाथ खोलने का मौका मिला. गैप ढूंढ लिया, फील्डर देखते रह गए, गेंद चमचमती हुई निकल गई, सीमा रेखा चीरती हुई चार रन के लिए. प्राधान्य द्या, त्यांच्यासाठी तो राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारची या ठिकाणी आपल्याला व्यवस्था पाहायला मिळत आहे. ग्राउंडच्या चारही दिशेला जर आपल्याला पाहिलं तर कुठेही तुम्हाला ऊन जाणवणार नाही, कारण झाडे असल्यामुळे आणि त्याच्या खाली आपल्याला बसण्यासाठी स्टँड असल्या कारणाने तिथं आपण आरामात बसू शकतो. बेहतरीन शॉट एक बार, फिल्डर वहां पर मौजूद और चूकते हुए फिल्डर हाथ में कैच जरूर आया था, लेकिन एक जीवदान जरूर मिला वहां पर राहुल केलातकर को. लक्ष्य 29 जरूर है, लेकिन इतना भी आसान नहीं. 30 लक्ष्य है, प्रति ओवर 10 रन बनाने हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है. यहां पर अगर विकेट गिरता तो मुझे लगता है पहले ओवर में समीकरण काफी कुछ बदल सकता था. बल्ले का मुंह खोलने की कोशिश, कारपेट की सहायता से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, रोकने में नाकामयाब और सीधा चार रन के लिए. लॉन्ग ऑन पर वहां पर फील्डर कोई मौजूद नहीं है, मिड विकेट पे फील्डर था, उसका फायदा उठाया, सीधे हाथों से खेल दिया, कारपेट की सहायता से गेंद गई चार रन के लिए. स्कोर पहुंच चुका है 11 रन. गेंदबाजी करेंगे शंकर बर्दे. फिर एक बार हेलीकॉप्टर शॉट, खूबसूरत तरीके से जरूर खेला था. एक रन आसानी से, दूसरी रन लेने की कोई कोशिश नहीं. राम जानते हैं विकेट महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कोर तो आ चुका है, अगर विकेट बचाकर खेले तो ये लक्ष्य हम आसान कर सकते हैं. और विकेट यहां पर जाती है तो लक्ष्य और मुश्किल बनता जाएगा, तो सोच यहां पर बड़ी रखी है. ऊंची सोच आदमी शाहों का सहनशाह, और सोच छोटी आदमी थनथनपाल मदन गोपाल, ऐसा कहा जाता है. तेरह रन स्कोर हो चुका है, अभी कुछ गेंद बाकी है इस ओवर की. उठाकर खेलने की कोशिश पर खतरा, जोखिम भरा शॉट और नतीजा स्पष्ट, विकेट का पतन होता हुआ जिसकी कोशिश में थी बर्दमाश की टीम, अगर वो कोशिश कामयाब यहां पर होती हुई. लगातार हो रही असफलता से नाखुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि करने की आवश्यकता.
बड़ा प्रहार यहाँ पर, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई की कमी, शैला मौजूद, कोई चूक नहीं, एक आसान सा कैच यहाँ पर, लाजवाब यहाँ पर फील्डिंग। राम मालूंगे को जाना होगा पैवेलियन में, नमे कदमों के साथ राम मालूंगे पैवेलियन का रास्ता नापते हुए। वही दूसरी ओर वहां पर भरत सपकाल राम की जगह लेने के लिए मैदान में दाखिल होते हुए। विकेट पर विकेट लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से भरपूर सामने खेलो जब फटाफट। हाँ, ये मैच में कुछ भी हो सकता है, आखिरी चाबी तक यहाँ पर इंतजार करना होगा ताकि ताला खोल सके आप। हवा में गेंद वहां पर, देखना ये होगा गलती वहां पर, कही डायरेक्ट गेंद पर जाते तो शायद कैच भी मिल सकती थी, लेकिन प्रयास नहीं किया। नतीजा पूरी तरह से स्पष्ट है, चार रन वहां पर मिले, चार रन की सहायता से यहां पर टीम का स्कोर जहां पहुंच चुका है 17 रन 13 रन की आवश्यकता, और गेंदे बाकी है 10 गेंदों में 13 रन। अगर ये कैच पकड़ लेते, कोशिश कर लेते तो शायद इस मैच का रुख बदलने में। अनिल चंद्रकांत कुठे आहात, त्यांनी लवकर लवकर मंचावरती येण्याची कृपा करावी। गेंदबाज है दीप बर्दे, मैन ऑफ द मैच रह चुके थे पहले मुकाबले में, काफी सटीक और शानदार गेंदबाजी की थी, युवा गेंदबाज है और अनुभवी बल्लेबाज उनके सामने भरत। फिर एक बार लेग साइड की दिशा में पुल करने का प्रयास, कोशिश रंग नहीं लाई, अच्छी गेंदबाजी, स्कोर रुका हुआ, अभी भी चाहिए यहाँ पर 13 रन की आवश्यकता। 9 गेंदें बाकी, फासला बढ़ता हुआ, इसी तरह से गेंदबाजी करते हैं तो शायद यहाँ पर इस मुकाबले में और कुछ नजर आएगा। इसी बीच यहाँ पर अंपायर का नो का इशारा, चर्चा करते हुए अंपायर से, चला पंचांचा निर्णय अंतिम राहील, नो का इशारा यहाँ पर। मैंने पहले कहा था अंपायर के नजरों से आपको बच के बचना नामुमकिन है, क्योंकि सुबह से काफी चौकन्ने अंपायर है, उनकी आंखें कैमरे से भी तेज नजर आ रही है, जो कैमरा नहीं पकड़ पा रहे वो अंपायर की आंखें तुरंत ही पहचान लेती है कि गलती कहाँ हो चुकी और कहाँ पे नजर देने की आवश्यकता है। क्या तुझे बेहतरीन यहाँ पर वापस या अपील जरूर हुई, फ्री हिट था यहाँ पर, अपील की कोई गुंजाइश नहीं बाकी रही थी। अंपायर का वहां पर कुछ इशारा आता हुआ, कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहां पर, आगे आकर खेलने की कोशिश और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा। हाथों से खेला, हवा में गेंद जरूर है, गेंद तक पहुंच नहीं पाए लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से 2 रन लेने से नहीं रोक पाए, केवल मात्र 2 रन। समीकरण क्या है, निश्चित रूप से स्कोर हो चुका है 20 रन आवश्यकता है, 22 रन कितने, 22 6 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला है, लाजवाब यहाँ पर मुकाबला। पिछले 1-2 मैच अगर आप छोड़े तो आज के दिन में
सभी मुकाबले देखने जैसे रहे हैं, मनोरंजन से भरपूर थे और पंचा सामना चालू करा, स्पीड अप करा थोड़ा, आपल्याला अजून तीन सामने खेळवायचे आहेत। आता ज्या ठिकाणी व्यासपीठावर विराजमान झालेले सन्माननीय अतिथी श्री नामदेवजी भगत साहेब, माजी नगरसेवक आणि माजी शिरको संचालक यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून घोल ग्रामस्थ मंडळ शीतलादेवी क्रिकेट संघ यांच्या वतीने मी सहर्ष असं हार्दिक स्वागत करतो। आपण या ठिकाणी आलात आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक मनाच्या अंतकरणापासून आभार व्यक्त करतो, कारण आपल्या आपण आल्यामुळे या स्पर्धेची नक्कीच शोभा वाढलेली आहे। व्यासपीठ आपल्या येण्यामुळं त्या ठिकाणी सजलं गेलेलं आहे आणि निमंत्रणाला मान देऊन आल्याबद्दल पुनश्च एकदा खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप आभार व्यक्त करतो। सन्माननीय गिरीजी म्हात्रे आपले श्री बबनजी भगत साहेब, माजी नगरसेवक आणि माजी सिडको संचालक, ईसीबीची आपण बड़ा प्रहार लेकिन देखना ये होगा, वहां पर दर्शक मौजूद है। आणि या ठिकाणी उपस्थित असणारे सन्माननीय नामदेवजी भगत साहेब यांचा या ठिकाणी हृदय सत्कार करण्यात येणार आहे। मी भरत सदाशिव पोळेकर साहेब, समीकरण यहाँ पर बदल चुकी है। पहली गेंद पर वहाँ पर मिसफील्डिंग हुई, कैच शायद छूटी, दो रन वहाँ पर मिले, अगर ना मिलते तो क्या होता, कुछ अलग निश्चित रूप से नजर आता। लेग साइड के क्षेत्र में खेल दिया है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर वहाँ पर तेजी के साथ थ्रो करते हुए, केवल मात्र एक रन, अच्छी कवर वहाँ पर मिली, थोड़ा खराब थ्रो जरूर था लेकिन अच्छी कवर वहाँ पर मिली और केवल मात्र एक रन लेने का ही मौका। एक रन के साथ यहाँ पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 25 रन, 5 रन की आवश्यकता, गेंदे बाकी है, 3 गेंदे और 5 रन। बर्थडे मैच की इस टीम ने क्या शानदार तरीके से गेंदबाजी की है, हम भी किसी से कम नहीं है, हरी हुई बाजी को हम भी जीत में तब्दील करना जानते हैं, अब हम सीख के आए हैं ये बताना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस बात का मैं सम्मान करना चाहता हूँ क्योंकि टॉस गेंद यहाँ पर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद, दूसरा रन लेने की कोशिश, खतरा हो सकता था लेकिन उंगली उठी, दुर्घटना घटी, पहले यहाँ पर गलती जरूर हुई थी लेकिन भाग्यशाली रहे, चौकन्ने अंपायर को निर्णय देने में कोई वहां पर मुश्किल नहीं, सीधा यहाँ पर आउट करा देते हुए एक और विकेट का पतन। अब मुकाबला काफी रोमांचक स्थिति में, समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है, हाई वोल्टेज मुकाबला, बोरमा सी जैसे बड़े टीम के लिए यहाँ पर टीम को यहां पर करो या मरो की स्थिति में लाकर रख दिया है वो बर्थडे मैच के गेंदबाज चंदू बर्थडे। शंकर ने पहली गेंदबाजी की थी, 13 रन दिए थे, काफी महंगे फटाफट रन दिए थे और चंदू तीन चार रन दिए है, लाजवाब यहां पर गेंदबाजी बर्थडे चालू करा। आज की शाम शायद चंदू के नाम, देखना ये होगा, गेंदे बाकी है 2 और रन चाहिए 4 और 4 रन कंपलसरी करना होगा। यहाँ पर टाई मुकाबला ये रूल्स ही नहीं रखा है, आपको कंपलसरी चेस अगर मिलता है तो कंपलसरी चेस करना ही होता है।
वाइट का इशारा खराब गेंद, समीकरण पूरी तरह से बदल दिया है। बल्लेबाज का आत्मविश्वास यहां पर बढ़ाने की मदद करते हुए गेंदबाज, क्योंकि इस मौके पर आप अगर इस तरह से गेंदबाजी करते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती हो सकती है। बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, यहाँ पर स्टेप आउट करते हुए खेल दिया है दोनों फील्डर के बीचों बीच, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, खराब फील्डिंग और देखना ये होगा। एक रन आसानी से दूसरा रन लेने की कोशिश और करीब करीब तीन रन पूरे, और इसी के साथ बोरमासी ये मुकाबला जीत चुकी है। हार्दिक बधाई और हारी हुई टीम बर्देमाच को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। बोरमास का संघ है कर्णधार जोर, बोरमास का संघ कर्णधार बर्देमात लवकर लवकर अपन ग्राउंड खाली करायचे। बोरमात का संघ कर्णधार, बोरमात का संघ कर्णधार लवकरात लवकर यायचे।